नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि जैसलमेर बाड़मेर होते हुए भाबर रेलवे लाइन के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप सभी की डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए उसके बाद में ये वीडियो लेकर आए। इस वीडियो में बताएंगे कि ये रेलवे प्रोजेक्ट है वो कब तक शुरू हो जाएगा, कब तक इसका फिनिशअप होगा, साथ ही इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे और बीच में कौन कौन से स्टेशन है वो नए बनने वाले। ठीक है, बात करें जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए भाबर जो न्यू रेलवे लाइन है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट बन जाएगा अगर वो काम में आता है तो इंडियन रेलवे में। ठीक है, क्योंकि ये 350 किलोमीटर में नया ट्रैक बिछाया जाएगा जो कि बिना किसी पुराने ट्रैक को यूज किए हुए पूरा नया ट्रैक रहेगा। 350 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे 350 किलोमीटर से भी अधिक भारत का सबसे लंबा रेलवे प्रोजेक्ट ये बन जाएगा, ये स्टार्ट होते ही। ठीक है, बात करें स्टार्टिंग पॉइंट जैसलमेर की, तो यहाँ से ट्रेनें आती हैं, जोधपुर से यहाँ पर जाया जाता है जैसलमेर तक, रेलवे लाइन है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से छोटे मोटे स्टेशनों के बाद में एक बड़ा स्टेशन बनेगा देवीकोट। ठीक है, इसके अलावा बात करें स्टेशन बनेगा बिंजारोई जिसे फतेहगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके अलावा दो छोटे स्टेशन खारोल और गुंगा बनने की संभावना है। उसके बाद में एक बड़ा स्टेशन बनेगा सिव जो कि तहसील है आपके बाड़मेर की। इसके अलावा नेक्स्ट गाँव आएगा बिसाला जहाँ पर एक बड़ा स्टेशन बनेगा नॉर्मल। इसके अलावा बात करें बड़ी तहसील आएगी गुड्डा आपकी बाड़मेर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका बाड़मेर। उसके बाद में नीचे की तरफ आएगा गुड्डा मालानी से होते हुए चित्तलवाना जो कि सांचौर जिले की तहसील होगी। उसके बाद में सांचौर डिस्ट्रिक्ट मेन आएगा जिसमें अभी तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं है सांचौर जिले की तहसील में। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से होते हुए ये गुजरात की भाबर तक चली जाएगी। इस प्रकार का इसका रेलवे प्रोजेक्ट मैप रहने वाला है। इससे फायदा काफ़ी ज़्यादा होगा, राजस्थान का सीधा कनेक्टिविटी पश्चिमी राजस्थान का गुजरात के साथ हो जाएगा और साथ ही काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे कि बाड़मेर सिव जैसलमेर वालों को रेलवे की सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और जल्द ही इसके लिए खुशखबरी मिल सकती है क्योंकि राजस्थान में अभी 30 नए प्रोजेक्ट के बारे में सूचना आई है और जल्द ही 10 प्रोजेक्ट और नए निकलने वाले हैं, तो आशा है कि इस प्रोजेक्ट का भी नाम आए। आपकी इसके बारे में क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर हो यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।